प्रेरणा जगत। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है किशोर बच्चों हेतु नैतिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रेरणा जगत। इस श्रृंखला में अब सुनिए कार्यक्रम श्रवण कुमार। सुनो 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 सुना रहे हैं अमर कहानी। बालक था एक प्यारा, बूढ़े अंधे मात पिता के आंखों का था तारा। एक सहारा और दुलारा चाग था जिसका न्यारा। श्रवण कुमार नाम था उसका, श्रवण कुमार नाम था उसका, जाने है जग सारा। सुनो सुनो अरे भाई सुनो 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 अरे भाई सुनो सुनो। मात पिता की सेवा करता, मात पिता का ही पूजन, मात पिता ही गुरु थे उसके, मात पिता ही थे भगवान। उनकी सेवा करना ही धर्म था उसका नारा। श्रवण कुमार नाम था उसका, श्रवण कुमार नाम था उसका, जाने है जग सारा। सुनो सुनो अरे भाई सुनो 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 अरे भाई सुनो सुनो सुनो। माँ। हाँ बेटा। पिताजी। हाँ श्रवण बेटा। यदि आपने संध्या पूजा कर ली हो तो मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध कर दूँ। हाँ बेटा। हाँ बेटा श्रवण, हमने संध्या पूजा कर ली, तूने भी कर लेना। नहीं माँ, मेरी पूजा मेरी भक्ति तो तब तक अधूरी है जब तक मैं अपने हाथों से आपको और पिताजी को भोजन न करा दूँ। नहीं श्रवण, तुझे भगवान की भक्ति करनी ही चाहिए, वही तो हम सबका पालनहार है। पिताजी, आप दोनों से अधिक पूज्य मेरे लिए कौन से देवी देवता होंगे। बेटा सच बेटा, तेरी इसी सेवा ने हमें कभी यह अनुभव नहीं होने दिया कि हमारी आंखें नहीं है। हाँ बेटा, तू ही तो है हमारी आंखों का उजाला। तो फिर पिताजी आप मेरा हाथ थामिए। अच्छा श्रवण। और माँ। हाँ बेटा। तुम मेरा कंधा पकड़ लो। ठीक है बेटा। हाँ ऐसे मैं आपको भोजन के लिए लिए चलता हूँ। अच्छा श्रवण। चल बेटा। आइए पिताजी। हाँ चलो। आओ माँ। ऐसे ऐसे आओ माँ। बेटा श्रवण। हाँ माँ। जाओ बेटा अभी विश्राम कर लो, रात बहुत बीत चुकी है, कब तक ऐसे। नहीं माँ, मैं पांव दबाने से थका बिल्कुल नहीं हूँ, जब आप दोनों को नींद आ जाएगी मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसे दिन रात हमारी सेवा करने से यदि तुझे कुछ हो गया तो। आप भी कैसी बातें करते हैं पिताजी, जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा। श्रवण बेटा। सच, कितना प्यारा बेटा है हमारा। यहाँ आ बेटा, अपने हाथों से तेरा मुख छूकर ही तुझे देख लूं। माँ। तू कितना सुंदर है। माँ। अच्छा माँ, यदि तुम्हें और पिताजी को आंखें मिल जाएं, तो आप सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे। एक बार यदि ऐसा हो जाए तो हम सबसे पहले तुझे ही देखेंगे बेटा। और उसके बाद। उसके बाद, उसके बाद चारों धाम तीर्थ देखे, जीवन का पुण्य कमाए।
किंतु ऐसा कहां हो सकता है? श्रवण बेटा, न तो हम तुम्हें देख सकते हैं और न ही तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। क्यों नहीं हो सकता पिताजी? मैं आपकी दृष्टि तो नहीं लौटा सकता, पर हाँ, सारे तीर्थ दर्शन अवश्य कराऊंगा। आप मेरी आंखों से देखेंगे पिताजी, मेरी आंखों से। श्रवण, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? तू बालक है बेटे, कैसे ले जाएगा हमें तीर्थ यात्रा के लिए? हमारी जीवन भर की इच्छा कैसे पूरी करेगा रे तू? रहने दे बेटा, रहने दे। तू क्यों हमारे लिए कष्ट सहता है? अरे हम ठहरे बूढ़े हैं, न चल सकते हैं और न ही देख सकते हैं बेटा। कष्ट कैसा पिताजी, आपकी सेवा तो मेरा धर्म है। किंतु बेटा, तू हमें लेकर जाएगा कैसे? मैं इसकी चिंता क्यों करती हो? मैं एक पहंगी मंगवाऊंगा जिसमें एक और पिताजी और एक और तुम बैठोगी, और मैं कंधे पर बहंगी रखकर आप दोनों को सारे तीर्थ करवाऊंगा। किंतु बेटा, मार्ग में कहीं नदी, कहीं जंगल, कभी आंधी, कभी तूफान की न जाने कितनी कठिनाइयां सामने आएंगी। पिताजी, भगवान हमारी सहायता करेगा। ठीक है बेटा, जैसे तेरी इच्छा। अब तो तू ही हम अंधों की लाठी है। काम कठिन था, मार्ग कठिन, उस पर बैंगी थी भारी। जंगल, नदी, पहाड़ थे बाधा, पर हिम्मत नहीं हारी। अंधे की जैसे हो लाठी, वैसे बना सहारा। श्रवण कुमार नाम था उसका, श्रवण कुमार नाम था उसका, जाने है जग सारा। सुनो सुनो अरे भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो अरे भाई, सुनो सुनो। पिताजी। हाँ श्रवण। अब हम तीर्थराज प्रयाग आ गए हैं। आप यहाँ वट वृक्ष की छाया में बैठकर कुछ देर विश्राम करें। अच्छा बेटा। जानती हो माँ? क्या बेटे? ये वट वृक्ष बहुत प्राचीन है। अच्छा? हाँ, लोग यहाँ आकर दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं। सच बेटा? तो हम तेरी ही दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें। अरे अरे छोड़ो माँ। माँ, यहाँ कितने ही ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। अच्छा माँ? हाँ बेटा। यहाँ लोग प्रयाग में स्नान कर रहे हैं। अच्छा। बेटा, यहीं कहीं मंदिर भी है ना? घंटियां सुनाई दे रही हैं। हाँ पिताजी। तो बेटा, तू हमें वहाँ ले चलेगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहले यहाँ स्नान कर ले, फिर मंदिर चलेंगे। अच्छा, तो बेटा चल, हमें स्नान करा दे। हाँ माँ, चलो। चलिए पिताजी। चलो बेटा, चलो। मेरा हाथ पकड़ लीजिए। अच्छा अच्छा, आओ माँ। चल बेटा, चल। भारत भर का भ्रमण कराया, तीर्थ कराए सारे। पहुंचे फिर अयोध्या नगरी, सरयू नदी किनारे। अपनी आंखों सब दिखलाया, बनाक का तारा। श्रवण कुमार नाम था उसका, श्रवण कुमार नाम था उसका, जाने है जग सारा। सुनो सुनो अरे भाई, सुनो सुनो, माँ। हाँ बेटा। अयोध्या नगरी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी बेटा। माँ, यहाँ के राजा दशरथ हैं। अच्छा? उनके राज्य में न कोई दुखी है, न निर्धन। अच्छा। चारों ओर सुख और शांति है। हाँ बेटा, सच, इसी कारण तो अयोध्या भी तीर्थ के ही समान है। हाँ माँ, ठीक कहती हो। अच्छा माँ, बहुत रात हो चुकी है, आज इसी वन में वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं।
कल सूर्य उदय होते ही चल देंगे। ठीक है बेटा, किंतु बहुत प्यास लग रही है बेटा। हाँ, प्यास तो मुझे भी लगी है। अच्छा तो मैं भी जल लेकर आता हूँ। वो बह रही सरयू नदी पास ही तो है। अच्छा तो जाओ बेटा श्रवण, किंतु शीघ्र लौट आना। हाँ बेटा, अधिक देर होने से हमें चिंता होने लगती है। आप चिंता ना करें, मैं जल लेकर शीघ्र ही आऊंगा। जल भरने के लिए श्रवण पहुंचा सरयू नदी तट को, पहुंचे वही राजा दशरथ, आए थे आखे टन को। होनी के आगे अवश था बालक भी बेचारा, श्रवण कुमार नाम था उसका, श्रवण कुमार नाम था उसका, जाने है जग सारा। सुनो सुनो अरे भाई सुनो सुनो, कितना घना अंधकार है। अरे ये कैसा शब्द हो रहा है? लगता है कोई मृग जल पी रहा है। ठीक है, मैं अभी ध्वनि की दिशा में बाण चलाता हूं। ये जीव भी दशरथ के बाण से आज बचकर ना जा सकेगा। ये तो किसी बालक की चीख थी। कहीं मैंने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अभी जाना चाहिए। बालक, तुम्हें ये बाण लगा? ओह, ये मैंने क्या किया? उठो उठो, देखो आप, मैं दशरथ हूँ। दशरथ? आप अयोध्या के राजा दशरथ? मैं धन्य हुआ आपके दर्शन पाकर। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुरंत राज वैद्य से तुम्हारा। आप मेरी चिंता ना करें, वहाँ उस और वृक्ष के नीचे मेरे बूढ़े अंधे माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अच्छा, आप उन्हें ये जल पिला दें, वो बहुत प्यासे हैं। क्यों नहीं, किंतु बेटा तुम बहुत घायल हो। पहले आप मेरे माता पिता को जल पिला दीजिए। और हाँ, जब तक वे जल ना पी लें, आप उन्हें मेरे घायल होने की सूचना ना दें। क्यों? नहीं तो वो जल भी ना पिएंगे और मेरे वियोग में प्राण त्याग देंगे। परंतु तुम्हारी राजन मेरी इच्छा पूरी करेंगे ना? किंतु पिताजी मैं जा रहा हूँ। माँ बालक, मुझे क्षमा करना पिताजी, मैं आपको मार्ग में ही छोड़कर जा रहा हूँ। माँ बालक, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया? लेकिन बालक की अंतिम इच्छा पूरी करनी ही होगी। हाँ। लगता है श्रवण आ गया। हाँ, पदचाप सुनाई दे रही है। बेटा श्रवण, तू आ गया? बहुत देर कर दी बेटा, हमें तो चिंता होने लगी थी। श्रवण, क्या बात है बेटा, तू बोलता क्यों नहीं?
श्रवण, श्रवण। माँ, कौन कौन है आप? मैं हूँ पापी दशरथ। दशरथ? राजा दशरथ? कहाँ आसन दूँ आपको? आप बैठिए। न जाने श्रवण भी अब तक क्यों नहीं आया, जल लेने ही तो गया था। तो उस बालक का नाम श्रवण था। लीजिए, मैं आपके लिए जल लाया हूँ। क्या क्या आप मेरे बेटे से मिले थे? वो स्वयं क्यों नहीं आया? क्या हुआ उसे? सब बताऊंगा, पहले पहले आप जल पी लीजिए। नहीं नहीं, पहले हमें बताइए हमारा बेटा कहाँ है। सौगंध है आपको, बताइए ना। उसे उसे कैसे कहूं? क्यों, क्या हुआ मेरे लाल को? उसे उसे मेरा बाण लग गया और मृत्यु हो गई। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमें छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं श्रवण, श्रवण मेरे लाल, दशरथ हमारा श्रवण लाल, हमारे प्राण ले लो, किंतु बेटा लौटा दो हमारा। बेटा, आप मुझे ही श्रवण समझिए माँ। मैं आपकी सेवा करूंगा, आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। आप मुझे अपना ही बेटा समझिए। नहीं नहीं, तुम श्रवण नहीं हो सकते, वो इतना निर्दय नहीं था। माँ, हम अंधों का तो वही उजाला था, एक ही सहारा तो था हमारा, वो भी तुमने छीन लिया। बाबा, दशरथ, तुम क्या जानो पुत्र शोक क्या होता है? यदि तुम्हारा तुम्हारा पुत्र तुम्हें छोड़ जाएगा और तुम भी हमारी भांति तड़पोगे, तब तुम्हें पता चलेगा माता पिता की पीड़ा क्या होती है, बेटे का वियोग क्या होता है। मुझे क्षमा कर दो माँ। बाबा, आप ही मुझे क्षमा कर दें, अनजाने में मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। आप मेरे साथ राजमहल चलिए, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। जाओ दशरथ, जाओ, हमारी चिंता न करो, हमें यही रहने दो, यही रहने दो, यही रहने दो। पिता दुखी थे, मात भी रोते, दशरथ भी पछताए। वर्षों बाद फिर राम वियोग में उसने प्राण गंवाए। मर कर किंतु अमर हो गया, प्रेरक बना हमारा श्रवण कुमार नाम था उसका, श्रवण कुमार नाम था उसका, जाने है जग सारा। सुनो सुनो अरे भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो अरे भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो अरे भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो। श्रवण कुमार, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री रामावतार शर्मा, दीनानाथ, विजय राठी और पवन कौशिक। संगीतकार थे हरभजन सिंह। गायक संतोष कुमार। ध्वनियांकन मैत्रीय द्विवेदी। लेखिका और प्रस्तुतकर्ता वंदना निगम।